बेटा, प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैंने जितनी चर्चा की थी, ये तो उसके सामने 10 पैसे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना जी। लेकिन एक आध बात ऐसी है जो मेरे को डिस्कस करनी है आपसे। डिस इन्वेस्टमेंट था, ये तो क्लियर होगी। सेलिंग ऑफ शेयर को हम टेक्निकली बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। एक बात है, इसने बताया कि प्राइवेटाइजेशन करने के ना सरकार के पास दो तरीके थे। वो तरीके पढ़ते हैं एक बार। बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी और बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। मुझे नहीं पता आप इससे क्या समझते हो, दूसरे वाले का मतलब सुनो पहले। कहता बाय आउटराइट सेल। बेटा मैं तो तो हो गई होगा, तय है, फिक्स है, ठीक है। ये पहला तरीका है, धीरे कोई मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ ये फॉर प्राइवेटाइजेशन। मत लिख देना कि हाँ वो क्यों हुआ मैं बता देता हूँ। देखो, इंडिया में ना सबसे पहले मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान से। याद है आपको सेकंड 5 ईयर प्लान? एम था इसका कुछ इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है ना। इसका एम था इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां से थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस बनना शुरू हुआ। हाथों हाथ आईपीआर 1956 आ गया।
इसने पीएससीयू को थोड़ा सा लीड रोल दे दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आप चलाओगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उन 40 सालों तक बहुत ग्रोथ करी हमने, ठीक है, कमेंडेबल ग्रोथ थी नो डाउट, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर ने अच्छे से वो रोल निभाया, 40 साल तक कमेंडेबल ग्रोथ करी। लेकिन बेटा धीरे धीरे क्या हुआ, सारी पीएससीयूस बेटा लॉस मेकिंग होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा जो काम कर रहे एम्प्लॉइज है ना, उनकी मेन हॉबी थी लीकेज, पिल्फरेज, करप्शन, और आज भी देख लो पीएससीयूस में। सर लीकेज समझते हो, पिल्फरेज समझते हो? लीकेज का मतलब बड़ी चोरी, पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी, और करप्शन ये सब चलता रहता है पीएससीयूस में। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बेटा, अगर आपको याद हो लीकेज और पिल्फरेज का। अब लीकेज के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं यार, इतने सारे घोटाले हुए हैं, सबके क्या नाम बताऊं, सबको पता है ना बेटा, कोयला घोटाला, वो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, इवन कॉमनवेल्थ गेम्स, याद है मैंने आपको बताया था बहुत कुछ। ये जो कुर्सियां है ना बेटा, एक कुर्सी कॉस्ट करती है 500 रुपए, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इंडिया में, याद हो आपको, दिल्ली में 2008-10, हाँ 2010 में क्या हुआ था बेटा, बाद में जब उसकी ऑडिट करा सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, तो बेटा मतलब क्या गवर्नमेंट को घोटाले का ये मिलता है, मैं तो ये सोचता हूँ बेटा। ये कुर्सी का रेंट पता कितनी कुर्सी आई थी बेटा, कई लाखों कुर्सी आई थी दर्शकों के लिए, ठीक है, एक दिन का एक कुर्सी का रेंट 1200 रुपए दिखाया हुआ था, एक दिन का एक कुर्सी का रेंट 1200 रुपए दिखाया था, और इसकी कॉस्ट 500 रुपए है, कहता हमने रेंट पे लिया है, इतने करोड़ों रुपए बाहर करे खाली कुर्सी में नहीं, टॉयलेट पेपर में फ्रॉड, नेपकिन टिश्यूज में फ्रॉड, मिनरल वाटर की बॉटल में फ्रॉड, पूरा कॉमनवेल्थ घोटाला पढ़कर देखना, आपको लगेगा क्या यार, ये तो बच्चा भी पकड़ लेता, सरकार को समझ नहीं आ रही थी किसमें घोटाला करना था। ये तो गई लीकेज की बात, बहुत बड़ी चोरी की बात। पिलफरेज बता देता हूँ, हमारे टाइम तक क्या होता था, जैसे आज की तारीख में आपके आपको कह रहे हैं ना स्कूल वाले एनुअल रिपोर्ट नहीं प्रिंट आउट ही चाहिए, हम भी ऐसे कहते थे सर हमारे पास पेन ड्राइव नहीं है, और नेट का तो जमाना ही नहीं था इतना, मेरी 12th में तो पेन ड्राइव नहीं है हमारे पास, तो व्हाट्सएप भी नहीं चलता था तब तो शायद, ठीक है ना, और ये कहते थे नहीं नहीं प्रिंट आउट ही चाहिए। अब प्रिंटर भी इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे जैसे आज की तारीख में, तो शायद हो सकता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट के घर पर ही हो, ठीक है ना, इतने इजीली अवेलेबल भी नहीं थे, ना इतने सस्ते थे। प्रिंट की कॉस्ट आती थी 10 रुपए एक प्रिंट की कॉस्ट, और एनुअल रिपोर्ट 300-300 पेज की भी है, हम 3000 रुपए खर्चेंगे सिर्फ प्रिंट निकालने में। हम टीचर को कहते रहते थे पेन ड्राइव में देख लियो भाई, मैं पेन ड्राइव दे देता हूँ तुझे 2 दिन के लिए, कहते हैं प्रिंट निकाल के लाओ, पर हमारे साथ के ही कुछ बच्चे प्रिंट निकाल लाते थे, हम पूछते थे यार 3000 रुपए तो नहीं खर्च करे, कहता नहीं नहीं पापा बैंक में है, बैंक में लगा दी पेन ड्राइव, बैंक के पेज से ही प्रिंट हो गए, सब कुछ हो गया। भैया कुछ भी कहो, इसे ही कहते हैं पिलफरेज, आफ्टर ऑल हो तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ही खराब रहे हैं, उन्होंने चोरी तो करी एक तरीके की, बस बुलाई नहीं जाएगी, चोरी है ही चोरी, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा सरकार भी थोड़ी स्मार्ट है, आज की तारीख में आप देखो बैंक में जितने भी सीपीयूज लगे होते हैं, पोर्ट ही नहीं है पेन ड्राइव लगने का, या आप पेन ड्राइव लगाते हैं वो एक्सेस ही नहीं होती, मतलब बहुत, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये पीएसयूज की हाल हो गए थे, कि 40 साल कमेंडेबल ग्रोथ, तो उसके बाद सब लॉस मेकिंग, क्योंकि बेटा सबको लग रहा था चलो आज मौका मिला, आज करप्शन कर लो, आज मौका मिला लीकेज पिलफरेज ये सब कर लो, धीरे धीरे सब लॉस मेकिंग हो गई, और सरकार को लगा यार अब कर देना चाहिए प्राइवेटाइजेशन। लेकिन बेटा सरकार ने कुछ अपनी एफिशिएंट पीएसयूज को आज तक अपने पास रखा हुआ है, और बेटा उनको सरकार नवरत्नास, महारत्नास, मिनी रत्नास, ये अलग अलग स्टेटस अकॉर्ड करती रहती है, अलग अलग स्टेटस देती रहती है, कई बार कोई कंपनी आ जाती है नवरत्ना महारत्ना में, कई बार कोई आ जाती है बेटा जो जितनी प्रॉफिट मेकिंग होती है। समझ में आई बेटा बात? ठीक है जी, कंपनियों के नाम आप याद कर लोगे, वैसे मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कैसे करना है बेटा। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है नवरत्ना, बेटा ये 9 रत्न है नवरत्ना, ठीक है ना, ये वर्ड वहीं से उठा है बेटा, बाबू अकबर के दरबार में थे 9 रत्न, ठीक है, जिसको वो भी नवरत्न बोलता था, ये भी नवरत्न है सरकार के, ठीक है जी, जिसमें से 5 कंपनियां बेटा ऑयल से रिलेटेड है। बच्चे कह रहे आज ऑयल का नाम मत लो, बाबू IOC, BPCL, HPCL, IPCL, ONGC, अभी करेंगे इनकी फुल फॉर्म की बात भी बेटा, सेल,
भेल केलनियस में एनटीपीसी और वीएसएनएल। बाबू ये नवरत्न है, नौ रत्न सरकार के, पांच कंपनियां ऑयल से रिलेटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडो पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बाबू ये प्रॉफिट मेकिंग है, काफी अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग है, तो सरकार ने इनको स्टेटस दिया नवरत्न का। ठीक है जी बेटा, महारत्नास बेटा, इसी में से कुछ कंपनियां कट कॉपी पेस्ट हैं, ये आठ कंपनियां हैं, आईओसी यहां पर भी है, बीपीसीएल यहां पर भी है, ओएनजीसी यहां पर भी है, सेल भेल गेल। बाबू इन तीन का नाम काफी इकट्ठा आता है, अगर आपने सुना हो, मैं तो 11th क्लास में जब भी एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो बेटा इन्हीं का नाम बोलता हूँ गवर्नमेंट कंपनी में, सेल भेल गेल, बच्चों को याद ही ऐसे कराता हूँ। ठीक है ना जी बेटा, आईओसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी, सेल भेल गेल, एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड, ये आठ कंपनियां महारत्न में। ठीक है जी, वैसे आपको बता देता हूं, इस साल सारी सरकारी और कंपनियों ने इतना कारोबार किया है ना बेतोड़, आपको पता नहीं होगा शायद, वैसे बता देता हूं, बीएचईएल इस बार 3 गुना हुआ 2023 में, 300% रिटर्न एक साल की, इतना कारोबार किया इन्होंने। सर डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ जाए आगे बेटा। मिनी रत्ना, बस इसका नाम आपको याद रखना, ये मुझे को भी याद नहीं है, ये 75 PSUs है, बस इसके आपको याद रखना है बेटा, दो नाम है याद रख लो बस, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IRCTC। ठीक है ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, डन। ठीक है जी आगे बढ़ जाएं, प्राइवेटाइजेशन खत्म, ग्लोबलाइजेशन शुरू करेंगे, एक टॉपिक डिस्कस तो करके जाएंगे ही जाएंगे, शुरू करना फटाफट से, कर रहे हैं आगे। थाउजेंड जो लिखना है लिख लो, पेपर में कंफर्म है इसका, 100% 1000% जो तुमने लिखना है, इसलिए इसको बहुत तसल्ली से पढ़ना, आराम से, यहां से क्वेश्चन आया तो समझ लेना बोर्ड का पेपर नहीं है आज, उड़ जाना बस, क्या ना अगले साल देंगे 2025। चलो आज पुत्र, चलो जी बाबू आउटसोर्सिंग पर डिस्कशन करना है, 10 से 12 मिनट लगेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बात को। बाबू सब सामने देख रहे हैं, सब सामने बेटा, आउटसोर्सिंग का सिंपली मतलब यही होता है, अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस बेटा, बिजनेस की कोर एक्टिविटी जब इंसान खुद परफॉर्म करने लगे और नॉन कोर नॉन सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म कराने लगे बेटा, उस सिचुएशन को बोला जाता है आउटसोर्सिंग। देखो इंडिया में ये कंसेप्ट को ना फेमस होने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन जब ये फेमस हुआ ना तो बेटा इंडिया ही फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया आउटसोर्सिंग का, ये बात आपने पढ़ी भी होगी, वो क्यों बना आपने ये भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल के साथ इतनी चीपेस्ट लेबर लेबर पूरे वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं है, जितना स्किल इंडिया में है ना बेटा उतने स्किल के साथ पूरे वर्ल्ड में कहीं लेबर नहीं है, और इतनी सस्ती। ठीक है जी, खैर करूंगा मैं उस मुद्दे पर आऊंगा, पहले शुरुआत करता हूं इसकी, क्या है इसका मतलब बेटा। देखो आपके ना नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका मेजर काम क्या है, आपका सिग्निफिकेंट काम क्या है, आपकी कोर एक्टिविटी क्या है, वो तो आप खुद करो, और जो नॉन कोर नॉन सिग्निफिकेंट नॉन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म करो,
जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ बेटा, आज एक किसी स्कूल को आप देखो, भैया स्कूल का मेन काम क्या है? एजुकेशन देना बच्चों को। तो बेटा वो मेन काम खुद कराना चाहते हैं, लेकिन बाकी सारे काम ये बेटा किसी आउटसाइड एजेंसी को वो देने में विश्वास रखते हैं। बाबू स्टाफ खुद रिक्रूट कर रहे हैं बेटा, जितना भी टीचिंग स्टाफ है। क्यों? क्योंकि उनका कोर एक्टिविटी है, सिरदर्दी स्टाफ की सारी वो खुद लेते हैं। स्टाफ पढ़ाए, कब आ रहा है, कब जा रहा है, सब उनका है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं स्कूल की सिक्योरिटी की, बेटा ये सिरदर्दी अब स्कूल का कोई ओनर लेना नहीं चाहता। पास्ट में सब हम करते थे भैया, स्कूल का स्टाफ, टीचिंग स्टाफ वो भी हम रिक्रूट कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड वो भी हम रिक्रूट कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड वो भी हम रिक्रूट कर रहे हैं। भैया पागल हो जाओगे? क्योंकि होता क्या है, स्कूल में सफाई शुरू होनी है सुबह 5 बजे, बच्चों ने आना शुरू करना है 7 बजे, 7:30 बजे स्कूल लगना है। 5 बजे अगर नहीं आया फोर्थ ग्रेड तो हम इंतजार कर रहे हैं, हाँ अभी तक नहीं आया, ये क्लास साफ नहीं हुई, आ लाइब्रेरी साफ नहीं हुई। भैया स्कूल के ऑनर ही पागल हो जाते थे। तो उनको लगा यार ये तो बहुत सिरदर्दी है, ये एक्टिविटी तो मुझे आउटसोर्स करनी चाहिए, किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म करनी चाहिए जो इस काम में स्पेशलाइज हो। बेटा आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी आउटसाइड एजेंसी जो सैनिटेशन में एक्सपर्टीज है, इनके पास सिक्योरिटीज में एक्सपर्टीज है। आज आज की तारीख में देखो बेटा कितने सिक्योरिटी एजेंसी हुई पड़ी है, कोई गिनती नहीं। आज की तारीख में तो ये हालात है बेटा, जिनके घर में शादी होती है वही 2-3 सिक्योरिटी गार्ड उन सिक्योरिटी कंपनी से हायर करते हैं कि घर का ध्यान रखना, कि हमने डेस्टिनेशन वेडिंग है हमारे यहाँ पर, हमने बाहर जाना है, और वो सिक्योरिटी गार्ड ही ध्यान रखते हैं घरों का। देखा है आपने कहीं ऐसा, सुना? ऐसा होने लगा ना बेटा, स्कूल में भी यही होने लगा, सब स्कूल से यही करने लगे कि आ जा भैया साल के पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो पूरे साल का, मेरे पास से मिलेंगे पैसे, मुझे दिन में चाहिए 4 सिक्योरिटी गार्ड, रात को चाहिए 8, कुछ भी सामान चोरी होगा सब आप दोगे, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना। मैं दूंगा लाइसेंस के पैसे, ना दूंगा मैं गन राइफल के पैसे, सब खुद लाओ, लाइसेंस लाइसेंस की गन लाओ, जैसे मर्जी लाओ, मुझे तो इतने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए दिन में इतने रात में, ये सिरदर्दी मेरी नहीं है, कहां से आएंगे? ठीक है ना। सेम वे बेटा आप क्या करते हो, स्कूल की साफ सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए बेटा किसी और कंपनी को ढूंढते हो जो इस काम में स्पेशलाइज हो, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। कब भेजोगे, कितने स्टाफ भेजोगे, मेरी सिरदर्दी नहीं है, मुझे तो क्लीन चाहिए रोज, इलेक्ट्रॉनिक मॉप भेजो हाथ से पोछा लगाए, मेरी सिरदर्दी नहीं है, वैक्यूम क्लीनर भेजो, क्या भेजो, मेरी सिरदर्दी नहीं है इस चीज में, मैं सिरदर्दी नहीं ले सकता। ठीक है ना। और आप सोचो, ये तो मैं तो अभी सहारनपुर के स्कूल की बात कर रहा हूँ, यहाँ 2-2 फ्लोर है, कुछ नहीं है। ठीक है ना। आप सोचो वहां कॉर्पोरेट्स में कैसा होता है सब कुछ, कॉर्पोरेट्स भी यही करते हैं, वो भी सिरदर्दी नहीं ले सकते, उन्होंने भी सब कुछ आउटसोर्स किया हुआ है। समझ में आती है बेटा बात? लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने जो बोला आपको बेटा, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है क्या आउटसोर्स करना है क्या नहीं करना। ठीक है ना जी बेटा। अगर आप सहारनपुर नगर निगम को देखो तो उनके लिए सैनिटेशन इज द कोर एक्टिविटी, वो सैनिटेशन आउटसोर्स नहीं करेंगे, बाकी किसी भी चीज को आउटसोर्स करें, सैनिटेशन के लिए वो स्टाफ खुद रखते हैं, साफ सफाई खुद करवाते हैं। ठीक है ना। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बेटा। इस कंसेप्ट को ना आउटसोर्सिंग, कोई कुछ लोग बीपीओ भी बोला करते थे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि बिजनेस की कोई एक प्रोसेस आउटसोर्स कर दो आप। और मैं बोलता हूँ बेटा, लोगों को लगता है यार इसमें क्या धंधा है, मैं कहता हूँ अगर धंधा बता दिया ना पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी, ऐसे ऐसे धंधे हैं बेटा एक एक प्रोसेस में। ठीक है ना बाबू। ये जो जीन हम पहनते हैं ना, आपको पता कितनी प्रोसेस से होके जाती है, आप सोच भी नहीं सकते, कम से कम 10 से 12 प्रोसेस है इसमें। ठीक है ना भैया। धागा खरीदती है कंपनी, पहले धागे से बनाती है फैब्रिक, देन कटिंग होती है, देन स्टिचिंग होती है, डाइंग होता है, कलर आता है उसके ऊपर, जिप लगाने वाला अलग प्रोसेस है, बटन लगना एक अलग प्रोसेस है, उसके बाद आयरनिंग होना एक अलग प्रोसेस है, पैकेजिंग होना एक अलग प्रोसेस है, और जितने भी मैंने प्रोसेस के नाम लिए सब में धंधा है, और आपकी सिटिंग में होता है सब में धंधा, बहुत मोटे स्केल का। ठीक है ना। मैंने आपको पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो, कुछ याद आया बेटा? एक पर्सन है मेरी नोन में, उसने फैक्ट्री लगाई हुई है, क्या करता है, जीन पे बटन लगाता है, पर जीन 1 रुपया चार्ज करता है बटन लगाने का। अब यार उस कंपनी को सोचो जो वो जीन बना रही है, अब उसको लगता है यार 1.5 लाख की मशीन है,
ठीक है, एक से मेरा वैसे भी बुरा नहीं पटने का, मैं 2-3 मशीन ही खरीदू सिर्फ बटन लगाने के लिए, 4-5 लाख की मशीन छोड़ यार, मैं बाहर से लगा लूंगा, 1 रुपया ही तो देना है। ठीक है, उसके पास पता है कितना काम है, उसके पास 50 मशीनें ना हो बटन लगाने की, 50 मशीनें, पता है रोज का कितना धंधा जाता है, आपकी सोच के बियॉन्ड है, रोज के 10-12 हजार रुपए कमाता कमाता है 1 रुपए का बटन लगाने में। ऐसे ऐसे बिजनेस हैं, लोग आयरनिंग में देख लो, आयरनिंग में जीन्स की आयरनिंग में कितना मोटा धंधा है, पैकेजिंग में देख लो कितना मोटा धंधा है। समझ में आती है बेटा बात, क्लियर है बात? बेटा अभी तक जो मैंने बात करी वो बीपीओ की करी, सब सामने देखो, अभी ये मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है और मैं पक्का बोल रहा हूँ ये पेपर में कंफर्म है। बाबू ये जो मैंने बात करी अभी बीपीओ की करी बेटा, अब इसका भी एक नया वर्जन आ चुका है मार्केट में जिसको बोलते हैं केपीओस। केपीओस क्या होते हैं बेटा? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये क्या था? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अब क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये पता है क्या कहता है केपीओ? ये तो कहता था कि कोर एक्टिविटी खुद करो, नॉन कोर किसी और से कराओ। ये पता क्या कहता है? कहता है कोर भी करा लो, सस्ती बढ़नी चाहिए, कोर भी किसी और से करा लो। और एक बात बताऊं, अब यही चल रहा है। और बेटा इंडिया फेवरेट हब भी बन गया, वो रीजन मैंने बता दिया, लेकिन एक और कारण भी है उसके पीछे, खाली स्किल और सस्ता होना नहीं है, एक कारण और भी है बेटा। अब आप ये तो देखो टेक्नोलॉजी कितनी तगड़ी हो चुकी है, जहां डेटा ट्रांसमिट करता है ओवर कॉन्टिनेंट्स इन फ्यू सेकंड्स। आप घूमने जाते हो सिंगापुर, वीडियो कॉल करते घर पे, भाई डेटा देख तो लो कितने कम देर में बेटा रियल टाइम में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेक्स्ट, वॉइस। सर कितनी टेक्नोलॉजी कहां जा चुकी है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना जी? समझ में आ रही बेटा बात? बाबू अब क्या क्या इंडिया में आने लगा बेटा केपीओ की वजह से, क्या क्या काम आने लगा? सर सब कुछ जो आप सोच सकते हो, फिल्म मेकिंग, फिल्म एडिटिंग, टीचिंग की सारी एक्टिविटी, इवन कॉल सेंटर्स, या मैं करूँ क्लिनिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस, सब कुछ आने लगा। मैंने पिछली बार आपको एक बहुत तगड़ा एग्जांपल दिया था बेटा मेडिकल एडवाइस पे, अगर आपको ध्यान हो तो मेरी तरफ देखो, चलो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। वो सक्षम हॉस्पिटल जैसे हमारे यहाँ पर है, आपको भी पता है इसमें जितने भी डॉक्टर हैं बेटा सब ओनर नहीं है, सब तो ओनर नहीं है, भतीजा जी थे ओनर, उनकी डेथ हो गई आज की तारीख में, उनकी वाइफ है तो काफी बड़ा शेयर तो उनका ही है, बाकी सब डॉक्टर तो आप देखो सैलरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या कमीशन बेसिस पे, जैसे भी रहता होगा कि ये मेरा पेशेंट एडमिट हो गया इसमें इतनी % कमीशन मेरी है, बाकी मैं हॉस्पिटल को दूंगा, ऐसे ही होता है। तो बेटा जैसा सिस्टम यहाँ चलता है वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, ठीक है जी? अब मैं कहता हूँ एक पर्सन जिसका हॉस्पिटल है अमेरिका में, ठीक है, रात को अमेरिका में किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो केस एडमिट हुआ उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। अगर बेटा अमेरिका में वो उनके यहाँ जो भी डॉक्टर के साथ, जिस भी डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो उसको उठाए वहां पर, बेटा आप ये तो समझते हो ना दिन में डॉक्टर के चार्जेस अलग है और रात को बेटा वो डबल या ट्रिपल ही चार्ज करता है, ठीक है? अब वो भी देना नहीं चाहते, वो कहते हैं सब कुछ हम कमाएंगे, हमारा हॉस्पिटल है हम क्यों ना कमाएं, ठीक है हम इस चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, वो करते क्या है बेटा? बाबू वार्ड बॉय होते ही हैं, क्या करा? चल सिटी स्कैन मशीन से तो निकाल इसको, सिटी स्कैन करा, रिपोर्ट आई, इंडिया में भेज दी। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है और बात करनी है कितनी देर लग जाएगी? 1 मिनट 2 मिनट डॉक्टर की एडवाइस लेने में, इसे याद तो नहीं, डेटा ट्रेवल कर रहा है विद इन सेकेंड्स, ठीक है सर? और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज, अगर अमेरिका में रात है तो इंडिया में तो वैसे ही दिन है, क्योंकि गैप ही 11-12 घंटे का है। यहाँ डॉक्टर डीएम डॉक्टर 500 रुपये में एडवाइस दे रहे हैं हमें, हमें हमें लगता जरूर है क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मेडिकल बहुत महंगा है। सर फॉरन में तो नाम ही ना लो, वो तो बहुत महंगा है, कई कंट्रीज में, कईयों में तो फ्री है, जिसमें फ्री नहीं है भाई नाम मत लो। अमेरिका में तो 15 दिन भगवान ना करे कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, करोड़ के नीचे आ जाता है वो आदमी, करोड़ रुपए के नीचे आ जाता है, ठीक है ना? यहाँ तो आपको पता है डॉक्टर के इतना इतना महंगा नहीं है कुछ भी, ठीक है जी? अब वो अमेरिका से मेल आ गई, एक सिटी स्कैन रिपोर्ट है, डॉक्टर ने रीड करी, क्या
क्या दिक्कत है, क्या चोट लगी है, कहां चोट लगी है, उसने मेडिसिन बता दी कि ये आप दो, बाकी सुबह डॉक्टर आएगा वहां चेक कर लेगा। उन्होंने वहां डॉक्टर नहीं उठाया, आपने उसकी सिर्फ 1000-2000 रुपए सारे इंडिया में बैठे हुए किसी डॉक्टर को फीस पे करी, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मिल गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उससे आपने जितने भी चार्ज करने थे 10-12-15 हजार वो तो आपने चार्ज कर ही लिया। ये सब काम चल रहे हैं आज की तारीख में, सब प्रैक्टिसेस चल रही हैं, यही आउटसोर्सिंग है। क्लियर है बेटा बात? क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया स्किल्स आपको बहुत सस्ते सिर्फ इंडिया में मिल सकते हैं, इसलिए बेटा आउटसोर्सिंग का फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया है। आप देखो बेटा, मैं कहता हूं आप आज अमेजोन के ना कस्टमर केयर नंबर पे कॉल मिलाओ, आपको लगेगा भैया मैं बात कर रहा हूँ यूएसए में। सर आप बहुत बड़े बेवकूफ हो अगर आप ऐसा सोचते हो। जितनी कंपनी आप आपने आमने सामने देखते हो ना बेटा, जितनी भी एमएनसीज देखते हो, 99.99 के बेटा कॉल सेंटर इंडिया है। तो उनको बहुत आसान लगता है बेटा इंडिया में सब कुछ एस्टेब्लिश करना, क्यों? उनको पता है भैया ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आएंगे भर के एनसीआर में, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होना चाहेंगे, और क्या करेंगे 12,000-15,000 रुपए में पूरी रात काम करेंगे हमारे लिए, ये काम वो अपने देश में नहीं करा सकते, चाहे इतना सस्ता नहीं करा सकते। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? आउटसोर्सिंग रखेंगे आज के लिए इतना ही, बाय।